सो हाई एवरी वन, दिस इज समीर। आज इस वन शॉट वीडियो में हम लोग वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर कम्प्लीट करने जा रहे हैं, पार्ट टू का, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अगर आप सभी स्टूडेंट्स ने लास्ट ईयर के पेपर देखे होंगे, डिफ्रेंशिएशन से ज्यादा क्वेश्चंस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के ऊपर पूछे गए। एक एक शिफ्ट में पांच पांच तक भी क्वेश्चंस आए हुए, एक एक शिफ्ट में मिनिमम 3 to 4 क्वेश्चंस, मैक्सिमम 5 क्वेश्चंस एक एक शिफ्ट में पूछे गए। लास्ट ईयर के पेपर्स उठा के देखो, आपको पता चलेगा डिफरेंशिएशन से मिनिमम 3 क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं, एंड यहाँ से आप सभी स्टूडेंट्स के 5 क्वेश्चंस बन गए, तो नियर अबाउट आपकी 16 मार्क्स की प्रिपरेशन, सिर्फ दो ही चैप्टर कंप्लीट करोगे तो 16 मार्क्स की प्रिपरेशन हो जाती है। एंड यस, ये वन ऑफ द हाईएस्ट वेटेड चैप्टर है पार्ट टू का, तो इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है सारे, और बहुत इजी चैप्टर है और बहुत मजा आएगा सॉल्व करने, और बहुत ही कम टॉपिक्स है। मैं जैसे जैसे आपको सिखाते जाऊंगा वैसे वैसे सारे टॉपिक्स को कवर कर लो, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, और यहाँ पे मैं सारी बेसिक चीजें भी कवर करने वाला हूँ, सारे पीवाईक्यूज को भी मैं सॉल्व करने वाला हूँ। और यस, ये बैच जो है सारे स्टूडेंट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आपकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये इस बैच को, इस प्लेलिस्ट को, इस चैनल को जो अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनका भी बेनिफिट हो सके, ताकि उन लोग भी अच्छी तरीके से रिविजन कर सके। तो आज के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो भी स्टूडेंट्स अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट चीज, अगर आपको क्वेश्चन सॉल्विंग करने में कुछ भी डाउट आता है तो आप क्या करो, टेलीग्राम चैनल, मैंने आपकी लिंक प्रोवाइड की है टेलीग्राम चैनल की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। वहां पे डिस्कशन का मैं एक चैनल बना देता हूँ आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। वहां पे अगर आपको कुछ भी डाउट आता है, कोई भी पीवाईक्यू नहीं सॉल्व हो रहा है, तो फोटो निकाल के भेज दो, तो आप एक दूसरों की जो है ना हेल्प कर सकते हो। जिसको वो क्वेश्चन सॉल्व करने आता होगा वो सॉल्व करके टेलीग्राम चैनल पे भेज दिया करेगा, इससे आप एक दूसरे के जो डाउट्स आपके क्लियर कर सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। एंड आज का टास्क आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, ये वीडियो को सिर्फ ऐसे ही वीडियो देखते नहीं बैठना है, पेन एंड नोटबुक लेके बैठना है तभी, और मैं जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व कराते जाऊंगा वैसे वैसे आपकी नोटबुक में भी ऐसे ऐसी नोट्स आपके प्रिपेयर होने चाहिए। और आज जो भी मैं क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने वाला हूँ, इसकी नोट्स जो है वो बूस्टर बैच में अवेलेबल हो जाएगी। और एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी है, बूस्टर बैच का जो है आज लास्ट डेट है, ठीक है, 399 rupees जो है आज लास्ट डेट है। जो भी स्टूडेंट सिंसियरली हॉनेस्टी के साथ अपनी लास्ट की 20 डेज में प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में अपने मार्क्स को बूस्ट करना चाहता है, तो बूस्टर बैच में एनरोल करके मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस कर सकता है। हम लोग जल्द से जल्द ये वन शॉट सीरीज को वाइंड अप करके जो है फुल लेंथ टेस्ट को भी प्रैक्टिस करने वाले। लास्ट मोमेंट में सिर्फ रिवीजन और फुल लेंथ टेस्ट को ही हमको करना होता है, तभी हमारा सीईटी एग्जाम में जो है स्कोर आता है। तो आज लास्ट डेट है, जो स्टूडेंट सिंसियरली एंड हॉनेस्टी के साथ प्रिपेरेशन करना चाहते हैं तो वो आज के आज जो है बूस्टर बैच में एनरोल कर लो, ठीक है। एंड जैसे ही आज का लेक्चर कंप्लीट हो जाता है, आप सभी स्टूडेंट्स को क्या करना है, आज का मॉक टेस्ट दे देना है, कंप्लीट कर लेना है, पीवाईक्यूज को थोड़ा प्रैक्टिस कर लो और सारी चीजों को रिवाइज कर लो। ओके, आई होप सो सारे टास्क आप सभी स्टूडेंट्स को समझ गए होंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर, लेक्चर नंबर 2, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हम लोग क्या क्या चीजें सीखने वाले हैं, यहाँ पे एक बार देख लो हम लोग क्या क्या चीजें यहाँ पे सीखने वाले हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हम लोग सबसे पहली चीज जो है, हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल क्या होता है उसके बारे में सीखेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल में कंफ्यूज हो जाते हैं, और बहुत ही इजी टॉपिक है, इसको मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। देन रेट मेजर के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, रोल्स थ्योरम एंड एलएमवीटी के ऊपर हम लोग थोड़ा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले, देन लास्ट जो है मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है। ये 5 टॉपिक जो है हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले, और ये 5 टॉपिक के ऊपर हम लोग जो है पीवाईक्यूज को सॉल्व करने वाले। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला इक्वेशन ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू अ कर्व, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, पहले ये डाउट जो है ना आप क्लियर कर लो। स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, सपोज कोई एक कर्व गिवन है, ठीक है, कोई एक कर्व ऐसा गिवन है, सपोज यहाँ पे कोई कर्व गिवन है एंड इसका आपको इक्वेशन दिया गया है, एंड यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है, ठीक है, ये आपको एक पॉइंट दिया गया है, सपोज यहाँ पे एक पॉइंट दिया है आपको पी x1, y1। ओके, अभी बोलेगा कि आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड करने, तो आप कैसे फाइंड करोगे। स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक स्लोप आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है, ये आपकी स्लोप हो, ये आपका टेंजेंट हो गया, सॉरी नॉट स्लोप, अब ये टेंजेंट आपका यहाँ पे बन गया। अब ये टेंजेंट क्या आपको जो है स्लोप फाइंड करना है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, तो आप कैसे कर सकते हो, ये जो आपको इक्वेशन मिली है इसको आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डीवी बाय डीएक्स आपको फाइंड करना पड़ेगा, जो कि आपका टेंजेंट का स्लोप होगा, ठीक है, इसको हम लोग m1 कंसीडर करेंगे, टेंजेंट का स्लोप हो जाएगा। और उसी तरह अगर आपको नॉर्मल का बोलेगा कि नॉर्मल का आप जो है स्लोप फाइंड करो, तो स्लोप कैसे फाइंड कर सकते हो नॉर्मल का, इसी को आपको डिफरेंशिएट करना है, बट स्लोप क्या हो जाएगा, डीवी बाय डीएक्स क्या हो जाएगा, -1 अपॉन m2, m2 जो है वो नॉर्मल के लिए,
आई होप सो दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन. स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल हम लोग कैसे फाइंड करते हैं. ये स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया और ये स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गया. ठीक है, स्लोप ऑफ नॉर्मल. अभी आपने स्ट्रेट लाइन पढ़ा होगा तो आपको पता होगा m1 into m2 क्या होता है आपका माइनस वन. तो स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है, स्लोप ऑफ टेंजेंट जो दिया है बस उसी को डिफरेंशिएट करो तो आपका dv by dx जो है वही आपका स्लोप है. उसी तरह अगर आपको नॉर्मल का बोला रहेगा, नॉर्मल जो है वो परपेंडिकुलर होता है. ठीक है, टेंजेंट के परपेंडिकुलर नॉर्मल होता है. तो dv by dx क्या आएगा, माइनस वन अपॉन m2. ठीक है, अभी इसके इक्वेशन को हम लोग कैसे लिखेंगे. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू अ कर्व एट अ पॉइंट लाइंग ऑन इट. अभी हम लोग इसको इक्वेशन में कैसे लिख सकते हैं. अगर आपने स्ट्रेट लाइन अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता है y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू एम वन. अब m1 हम किसको डिनोट करते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट को. अब उसी तरह m2 जो है वो नॉर्मल है. नॉर्मल मतलब कि परपेंडिकुलर है. तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन. अब यहाँ पे स्लोप क्या आएगा, माइनस वन बाय m2. ठीक है, ये दो इक्वेशन है. अब ये दो इक्वेशन फटाक से आप अपने नोटबुक में लिख लो, काफी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है. इसी से जो है हमारे एग्जाम्पल सॉल्व होने वाले. तो इक्वेशन जो है समझ गया, इक्वेशन क्या होता है, स्लोप कैसे फाइंड करते हैं. स्लोप जो है dy by dx is equals to m1 होगा आपका किसका, टेंजेंट का. देन नॉर्मल का माइनस वन बाय m2 हो जाएगा. उसी तरह जो है इक्वेशन y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू एम वन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. ओके, ये जो है ये टेंजेंट का इक्वेशन है. मैं यहां पे लिख देता हूं, ये जो है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है एंड ये जो है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, अभी हम लोग एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते इसी के ऊपर. इफ स्लोप ऑफ अ टेंजेंट टू अ कर्व एक्स वाई प्लस ए एक्स, यहां पे देखो क्या दिया है इक्वेशन, एक्स वाई प्लस ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू जीरो एट द पॉइंट. पॉइंट क्या दिया है, वन कॉमा वन. पॉइंट वन कॉमा वन दिया है एंड ऑन इट इज टू. अब ये जो टू है वो क्या है, स्लोप है. अब यहाँ पे क्वेश्चन अच्छे से रीड करोगे तो आपको पता चलेगा. अब स्लोप ऑफ टेंजेंट का जो है वैल्यू जो है वो टू है. इसका मतलब है कि अभी टू से हमको क्या पता चला, dy by dx जो है इज इक्वल्स टू टू है. ठीक है, अभी हमको क्या फाइंड करना है, a माइनस बी क्या होता है ये हमको फाइंड करना है. ठीक है, चलो इजी क्वेश्चन है, फटाफट इसको सॉल्व कर लेते. ओके, तो अभी इसको कैसे सॉल्व करोगे. पहले तो ये जो आपको ये इक्वेशन जो दी गई है, एक्स वाई प्लस ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू जीरो. अब इसको जो है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इसको डिफरेंशिएट करो, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स. तो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इसको डिफरेंशिएट करोगे तो इधर यू इंटू वी का रूल लगेगा. एक्स को एज इट इज रखो, डी वाई बाई डी एक्स आपका यहाँ पे आ जाएगा, प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपका वाई और एक्स का जो डेरिवेटिव है वो वन हो जाएगा, प्लस a एज इट इज आ जाएगा, प्लस b dy by dx. ओके, अब dy by dx वाले टर्म्स को एक साथ ले लो. यहां से dy by dx कॉमन हो जाएगा, dy by dx यहां से कॉमन हो जाएगा, यहां पे b बचेगा और यहां पे x plus b यहां से बचेगा और ये जो है प्लस जो है यहां पे जाके माइनस हो जाएगा और यहां पे जाके माइनस हो जाएगा. ओके, dy by dx हम लोग का जो है, अब यहां से हमारा dy by dx क्या आया, माइनस वाई माइनस ए अपॉन एक्स प्लस बी डी वाई बाई डी एक्स. ओके, यहां तक आप सबको समझा. अभी यहां से नेक्स्ट स्टेप क्या करना है हमको, हमें देखो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू दी गई है. ओके, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पता है, एक्स वन वाई वन की वैल्यू पता है और ए और बी की वैल्यू हमको फाइंड करनी है. बस ए और बी की वैल्यू फाइंड कर लिया तो ए माइनस बी. अब बहुत सिंपल स्टेप है. अब यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, एक्स वन की वैल्यू एंड वाई वन की वैल्यू पुट कर सकते हो और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पुट कर सकते हो. डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आती है, टू, एंड एक्स वन और वाई वन की वैल्यू क्या है, वन वन. तो माइनस वन माइनस ए, देन एक्स जो है वन प्लस बी. ओके, अब यहां से जो है एक इक्वेशन आएगी, टू प्लस टू बी इज इक्वल टू माइनस वन माइनस ए. तो अभी ये माइनस इधर आ गया और प्लस टू बी और माइनस वन माइनस टू जो है वो माइनस थ्री हो जाएगा. ओके, ए प्लस टू बी इज इक्वल टू माइनस थ्री आया. देन उसके बाद क्या करो आप, अब एक्स वन की वैल्यू और वाई वन की वैल्यू आपको पता है और यहाँ पे इक्वेशन दी गई है. तो हम लोग की यहाँ पे पहली इक्वेशन बन गई,
हम लोग की यहाँ पहली इक्वेशन बन गई। अभी सेकेंड इक्वेशन हम लोग यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, वन वन अगर हम लोग वैल्यू पुट कर देते, अगर इधर हम लोग वन वन वैल्यू पुट कर देते तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, वन बचेगा इधर और ये ए बचेगा और प्लस बी, तो यहाँ पे ए प्लस बी क्या बचेगा हम लोग का माइनस वन। तो नेक्स्ट इक्वेशन जो हम लोग की बनेगी वो ए प्लस बी इज इक्वल्स टू माइनस वन, तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। ओके ओके, यहाँ तक आप सभी स्टूडेंट्स को समझ गए। इसके बाद क्या करना है, साइमल्टेनियसली सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू फाइंड करना है, बट फिर उसके बाद ए माइनस बी करना है। अगर इसको साइमल्टेनियसली तुम सॉल्व करोगे तो ए की वैल्यू वन आ जाएगी और बी की वैल्यू जो है माइनस टू आ जाएगी, तो ए माइनस बी क्वेश्चन में पूछा है, तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये थ्री हो जाएगा। ओके तो आंसर जो है वो ए है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं। आई होप सो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट वाला आपको कॉन्सेप्ट समझ गया होगा, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले ये चीजें देख लो, रेट मेजर के ऊपर भी काफी सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। अब रेट मेजर का मतलब क्या होता है, अब क्वेश्चन में ना आप सभी स्टूडेंट्स को बहुत बार देखने को मिलेगा, रेट ऑफ चेंजिंग वॉल्यूम, रेट ऑफ चेंजिंग एरिया, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। अब रेट इन चेंज ऑफ वेलोसिटी को आप कैसे लिख सकते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ऐसे लिख सकते हो, ये क्या हो गया वेलोसिटी। और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ये होता है एक्सेलरेशन। उसी तरह आप सभी स्टूडेंट्स को काफी सारे देखो, डीवाई बाई डी एक्स को आप क्या लिख सकते हो, लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, dy by dt लिख सकते हो एंड dx by dt भी लिख सकते हो। ओके विथ रेस्पेक्ट टू t जो है आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। अब सरफेस ऑफ एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अब ये फॉर्मूला जो है बहुत बार यूज होगा आगे, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4 बाय 3 पाई आर क्यूब। तो ये फॉर्मूला लिख के रख लो, काफी इंपॉर्टेंट है, आगे काम आने वाला है। ठीक है नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग आगे, इसके ऊपर एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं पहले। कौन सा क्वेश्चन है, नाइन्थ में शिफ्ट वन का क्वेश्चन है एंड ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखो वर्ड प्रॉब्लम देख के बिल्कुल डरना नहीं है, काफी इजी क्वेश्चन है। जो जो आपको इक्वेशन दिख रहे ना, बस उसी के ऊपर मेजरली फोकस करना। अराउंड अ सर्कल यूनिट सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन, इक्वेशन क्या दी गई है हमको, इक्वेशन दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन, तो वो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन। देन उसके बाद दिया है पॉइंट दिया है एंड इट्स वाई कोऑर्डिनेट इज डिक्रीजिंग, वाई कोऑर्डिनेट इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 यूनिट पर सेकेंड। अब वाई कोऑर्डिनेट का मतलब क्या हो गया, डी वाई बाय डी टी की वैल्यू दी गई है यहाँ पे जो की है 3। ओके वाई कोऑर्डिनेट जो है डिक्रीजिंग है एट द रेट ऑफ 3, तो माइनस आएगा आपका इधर। ओके एट द रेट माइनस आएगा इधर। आई होप सो क्वेश्चन में क्या दिया है, ये गिवन क्या दिया, आप सभी स्टूडेंट्स को समझ गया। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज, अभी यहाँ पे देखो द रेट एट विच द एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट का रेट पूछा है, मतलब कि डी एक्स अपॉन डी टी पूछा है। ठीक है डी एक्स अपॉन डी टी हमको इस इक्वेशन के थ्रू लेके आना है, तो हम लोग क्या करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू टी हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू टी। तो ठीक है यहाँ पे क्या आएगा, टू एक्स डी एक्स अपॉन डी टी, देन टू वाई प्लस आएगा इधर। ओके यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस टू वाई डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू जीरो। डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू आपको पता है, तो इसको टू एक्स एज इट इज लिखना है, डी एक्स अपॉन डी टी प्लस टू वाई माइनस थ्री। अब माइनस थ्री हम लोग कहाँ से लिए, वहां वैल्यू गिवन है, रेट वाई कोऑर्डिनेट इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 यूनिट पर सेकेंड, तो ये क्या हो जाएगा माइनस सिक्स वाई इज इक्वल टू जीरो टू एक्स डी एक्स अपॉन डी टी। अब बस सिंपल क्या करो, इसको वहां लेके जाओ, डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू सिक्स वाई अपॉन, और ये टू एक्स नीचे हो जाएगा, टू वन जा टू थ्री जा, तो क्या आ जाएगा थ्री वाई बाय एक्स। ओके बट उसके बाद यहाँ पे देखो वैल्यू गिवन है वन बाय टू और रूट थ्री बाय टू, तो वन बाय टू और रूट थ्री बाय टू यहाँ पे हमको वैल्यू पुट करना है। अभी थ्री के जगह पे रूट थ्री बाय टू एंड एक्स की जगह पे आपको क्या पुट करना है वन बाय टू। ओके तो यहाँ पे देखो टू टू कैंसल हो जाएगा एंड थ्री इंटू रूट थ्री, आंसर आपका बी इज करेक्ट, आंसर ऑप्शन जो है बी हमारा जो ऑप्शन है वो करेक्ट आ रहा है। ओके आई होप सो दिस एग्जाम्पल इज अंडरस्टूड एवरीवन, सबको समझाए एग्जाम्पल। ओके बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्सीमेशन के ऊपर भी क्वेश्चन है,
तो अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला आपको कैसे लिखना है, सबसे पहले देखो एफ ए ऑफ ए प्लस एच, यही जो है ना एक्स होता है, ठीक है, एक्स को ही हम लोग एक्स को ही क्या करते हैं ए प्लस एच में हम लोग को स्प्लिट करना होता है, इज इक्वल्स टू ये अप्रोक्सीमेशन की साइन होती है एफ ऑफ ए प्लस एफ एच इंटू एफ डैश ऑफ ए, तो ये है अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला। इसके ऊपर डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा एच क्या होता है ए क्या हो जाता है, और ये एक्स जो है हम एफ ऑफ एक्स जो लिखते हैं ये एफ ऑफ एक्स जो है ये एफ ऑफ ए प्लस एच है, ठीक है, ये एक्स और ये ए प्लस एच दोनों इक्वल होता है। एक्स को ही हम लोग क्या करते हैं दो पार्ट में स्प्लिट करते हैं, ए में और एच में, ए की वैल्यू एक राउंड फिगर वैल्यू हम लोग कंसिडर करते हैं एंड एच जो है हम लोग उसको माइनस कर देते हैं, ठीक है। अभी एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। ये तो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू ऑफ लॉग 10 998 की वैल्यू दी गई है, ओके, लॉग 10 998, ठीक है, यहाँ पे दिया गया है लॉग टू द बेस 10 e की वैल्यू जो है ये गिवन है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, लेट एफ ऑफ एक्स हम लोग क्या कंसिडर करेंगे लॉग टू द बेस 10 एक्स, फिर नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करेंगे यहाँ बेस को हम लोग चेंज करेंगे, ठीक है, चेंज करेंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा लॉग टू द बेस यहाँ पे 10 आ जाएगा और यहाँ दोनों जगह पे e आ जाएगा, ओके। तो अभी हम लोग को क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप इज इम्पॉर्टेंट, अभी हम लोग को लॉग टू द बेस ई एज इट इज इसको एज रखना है, देन इसको अगर हम लोग को ऊपर लेना है तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं लॉग टू द बेस 10 ई, ओके, ये लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टी है। अभी हम लोग क्या कर सकते हैं इसको यहाँ पे हम लोग अभी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू जो है वैल्यू पुट कर लो, इसकी वैल्यू गिवन है 0.4343, ओके, देन लॉग टू द बेस ई एक्स, अभी इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं एफ डैश ऑफ एक्स, तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या मिलेगा हम लोग को 0.4343 और अपॉन एक्स में मिलेगा, ठीक है, ये हम लोग का डिफरेंशिएशन आया, ओके। नाउ अभी हम लोग को क्या करना है, अभी यहाँ पे देखो ए प्लस एच को हम लोग को फाइंड करना है, ए प्लस एच तो क्या कर सकते हैं हम लोग ए को जो है 1000 कंसिडर कर सकते हैं, देन एच को जो है हम लोग माइनस टू कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि 998 जो है एक्स इज इक्वल टू 998 है, ओके, यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू 998 है तो हम लोग को ए प्लस एच इस वैल्यू को हम लोग को ऐसी डिफ्रेंशिएट करना है कि 998 आए, तो ए को हम लोग ने 1000 ले लिया और एच को हम लोग ने क्या लिया माइनस टू ले लिया, तो 998 यहाँ पे मिल गया, ओके, आई होप सो ये समझा होगा कैसे मैंने लिया इसको। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा हमारा, अब जो हम लोग ने फॉर्मूला बनाया था एफ ए प्लस एच देन एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ ए, अभी हमारे पास सारी वैल्यूज है, ओके, एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ ऑफ ए क्या है 1000 है एंड एच की वैल्यू क्या है माइनस टू और एफ डैश ऑफ ए की वैल्यू 1000 है, ओके, अभी बस अभी क्या करना है एक्स के जगह आपको 1000 पुट कर देना है, एक्स की जगह पे आपको 1000 पुट कर देना है, ओके, यहाँ पे x की जगह पे अगर आप 1000 पुट करोगे तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी हम लोग को log टू द बेस 10 10 रेस टू 3 हो जाएगा ये एंड माइनस 2 इंटू, अब ये f डैश ऑफ x की वैल्यू क्या है यहाँ पे अगर आप लोग 1000 पुट करोगे तो यहाँ पे हम लोग को वैल्यू क्या मिलेगी 0.4343 अपॉन 1030, ओके, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करो तो यहाँ पे ये 3 जो है पावर में वो 3 यहाँ पे आ जाएगा और log टू द बेस 10 एंड log 10 की वैल्यू जो है वो 1 होती है एंड यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स को वैल्यू जो मिलेगी 3-0.123443। अब बस सिंपली इसको माइनस कर दो इंटू 2 रहेगा ये, अब 2 3 जा, अब यहाँ पे 2 3 जा 6 हो जाएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा, 2 3 जा 6 2 4 जा 8 देन 0.003 माइनस, तो आंसर देखो क्या आएगा, आंसर समथिंग विल बी 10-6 4 9-8 9-2 7 9-8 1 देन उसके बाद 9 9 9.2, ये आंसर है कि नहीं देखो ऑप्शन में, ओके, ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, 2.991714 आएगा, ओके, यहाँ पे हम लोग ने कुछ मिस्टेक की होगी, 2 3 6 2 4 8 2 3 6 यहाँ पे भी 6 आएगा, ओके, यहाँ पे भी 6 आएगा,
यहाँ पे भी देखो सिक्स आएगा तो वैल्यू जो है यहाँ पे थ्री आएगी, ओके तो ऑप्शन डी इज अवर करेक्ट ऑप्शन। सो आई होप सो अप्रोक्सीमेशन वाले क्वेश्चन हमको कैसे सॉल्व करने सबको समझ आ गया। नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं हम लोग। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अब ये टॉपिक जो है रोल्स थ्योरम, ये काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार क्वेश्चंस आए एग्जाम में, मैक्सिमम क्वेश्चंस रोल्स थ्योरम एलएमवीटी थ्योरम के ऊपर ही है। अभी ये हम लोग इसको पहले रोल्स थ्योरम क्या होता है ये समझो। रोल्स थ्योरम आपको जब भी कहीं पे भी दिखेगा आपके अंदर दिमाग में तीन कंडीशन आ जानी चाहिए अपने आप। पहली कंडीशन जो है फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस रहना चाहिए, ठीक है, फंक्शन जो कंटिन्यूअस रहना चाहिए, देन अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है कोई पॉइंट पे तो वो डिफरेंशिएबल भी रहेगा। तो ये जो दो कंडीशन है ना, मोस्टली ये दो कंडीशन सारे फंक्शंस के लिए एप्लीकेबल होती है, ठीक है। ऐसा कोई फंक्शन नहीं देंगे आपको जो कि कंटिन्यूअस ही नहीं रहेगा, जो कि डिफरेंशिएबल नहीं रहेगा। पॉलिनोमियल आपको फंक्शन देते हैं उन लोग, और पॉलिनोमियल सारे फंक्शन जो है कंटिन्यूअस होते हैं और सारे डिफरेंशिएबल भी होते हैं। एंड थर्ड कंडीशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड कंडीशन एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी, ठीक है। अगर ऐसी तीन कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम लोग सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू जीरो पुट करके हम लोग सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अभी हम लोग इसके ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बट उससे पहले एलएमवीटी भी क्या होता है ये भी देख लो, क्योंकि दोनों जो है एक दूसरे के रिलेटेड ही है। अब एलएमवीटी में आपकी सिर्फ दो ही कंडीशन को आपको देखना रहता है, दो कंडीशन क्या रहेगी आपकी, यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स को एक्स जो है एलएमवीटी में एक्स कंटिन्यूअस रहेगा, डिफरेंशिएबल रहेगा। देन जो थर्ड कंडीशन जो है एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू बी रहने वाला है, ठीक है। ये कंडीशन एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी दोनों इक्वल नहीं रहने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपको देखो ये दोनों इक्वल थे तभी आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, अब यहाँ पे इक्वल नहीं रहने चाहिए तब वो एलएमवीटी को फॉलो कर सकता है। देन उसके बाद हम लोग एफ डैश ऑफ सी कैसे फाइंड कर सकते हैं, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, ठीक है। रोल्स थ्योरम में हम लोग क्या करते हैं, एफ डैश सी इज इक्वल्स टू जीरो कर देते हैं, एफ डैश सी इज इक्वल्स टू जीरो, और एलएमवीटी में हम लोग क्या करते हैं एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए करके सॉल्व करते हैं, सी की वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द वैल्यू ऑफ सी ऑफ लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम फॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर ऑन 1.5 इज, तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, काफी इजी क्वेश्चन है, एलएमबीटी के ऊपर क्वेश्चन है। अब जब एलएमबीटी का क्वेश्चन आया आपके दिमाग में आ जाना चाहिए पहली दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जानी चाहिए, फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है डिफरेंशिएबल रहना चाहिए, देन तीसरी कंडीशन जो है एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ बी होना चाहिए। ऐसा है तो आप जो है अब यहाँ पे पहले ही वेरीफाई किया गया था वैल्यू ऑफ सी ऑफ लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे आपको फाइंड करना है, वैल्यू फाइंड करने को बोला है, मतलब कि ये पहले ही एलएमवीटी की सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो उसके बाद हम लोग को क्या करना है एफ डैश ऑफ सी का फॉर्मूला यूज करके ये वैल्यू को फाइंड करना है। तो पहले हम लोग क्या करते देखो, पहले यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे पहले फंक्शन लिख लो, क्या फंक्शन दिया गया है, फंक्शन दिया गया है 25 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको डिफरेंशिएट करो, एफ डैश ऑफ एक्स क्या आएगा 1/2 25 माइनस एक्स स्क्वायर और ये अपॉन 2x, ओके। देन उसके बाद देखो आपको क्या करना है, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, ये हो गया एफ डैश ऑफ एक्स, ओके। अभी यहाँ पे फॉर्मूले में देखो हमको क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है, एफ डैश ऑफ सी के फॉर्मूले में एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, तो ठीक है ए और बी की वैल्यू हमको पता है 1 और 5 है, लेकिन एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए हमको फाइंड करना पड़ेगा। एफ ऑफ बी हम लोग फाइंड कर लेते हैं, एफ ऑफ बी हम लोग फाइंड करते हैं, एफ ऑफ बी क्या हो जाएगा एफ ऑफ आपका 5 हो जाएगा, तो एफ ऑफ 5 अगर हम लोग पुट करते हैं तो ये वैल्यू जो है आपको 0 आ जाएगी। एफ ऑफ ए हम लोग फाइंड करते हैं, एफ ऑफ ए का वैल्यू जो है 1 है, तो 1 अगर हम लोग यहाँ पुट करेंगे तो वैल्यू जो है 24 आ जाएगी, ठीक है। एफ ऑफ बी पता चल गया, ए पता चल गया, ठीक है। अभी एफ डैश ऑफ सी की वैल्यू यहाँ पे दी गई है, तो एफ डैश ऑफ सी कैसे फाइंड कर सकते हो, एक्स की जगह पे आप सी पुट कर दो, आपको एफ डैश ऑफ सी भी मिल जाएगा, ठीक है। अभी सारी वैल्यूज हमको मिल गई, यहाँ पे आप सिर्फ जस्ट वैल्यू पुट कर लो, हो गया, यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए 0 माइनस अंडर रूट 24, फिर यहाँ पे 5 माइनस 1, बस इसको सॉल्व करना है, सी की वैल्यू फाइंड करना है, सिंपल है। कैसे सॉल्व करोगे, माइनस 24 अपॉन 4, देन उसके बाद यहाँ पे आपका सी आ जाएगा 25 माइनस सी स्क्वायर, तो इसको वहां पे ले लो एंड 4 को यहाँ पे लोगे तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ओके। यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ,
ओके ये मैं रफ कर ले रहा हूँ, वैल्यू आपने देख ली होगी। ओके यहाँ पे अब आगे क्या करना है आपको, 4c इज इक्वल्स टू 24, देन उसके बाद अंडर रूट 25 माइनस सी स्क्वायर, ठीक है, ये अंडर रूट में, तो स्क्वायर कर लो, स्क्वायर करोगे तो 16 हो जाएगा ये, 24 हो जाएगा ये भी अंडर रूट में रहेगा, ओके ओके ये अंडर रूट में रहेगा, तो और ये 25 माइनस सी स्क्वायर, उसके बाद आप क्या करो 16 को यहाँ पे लोगे, तो 16 को यहाँ पे लोगे तो क्या हो जाएगा 24 बाय 16 एंड 25 माइनस सी स्क्वायर, तो यहाँ पे लास्ट स्टेप में क्या हो जाएगा 3/2 यहाँ पे आपको मिला, 3/2 उसके बाद मल्टीप्लाई करो एंड आंसर जो है आपका नियर अबाउट आपका आंसर सी जो है आपका आना चाहिए अंडर रूट 15। ओके सिंपल कैलकुलेशन है, कर लेना, आंसर हमारा जो है ए ऑप्शन जो है हम लोग का करेक्ट है। ओके तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है LMVT के ऊपर ही है, बट थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अभी देखो एफ ऑफ जीरो जो है -3 दिया है एफ ऑफ जीरो की वैल्यू, एंड आपको बोला है एफ ऑफ टू की मैक्सिमम वैल्यूज क्या हो सकती है वो फाइंड करने, एंड एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वो गिवन है 5 गिवन है। ओके अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, अभी यहाँ पे आपको थोड़ा सा लॉजिक यूज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एफ ऑफ जीरो जो है 3 दिया है, एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू -3 और एफ ऑफ टू हमको फाइंड करना है, तो यहां से जो आपको आपको पता चल जाना चाहिए एफ ऑफ जीरो का मतलब ए इज इक्वल टू 0 हो गया एंड बी इज इक्वल टू आपका 2 हो गया। तो अभी आपके पास LMVT का फॉर्मूला है एफ ऑफ एफ डैश ऑफ सी कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बी माइनस ए, ओके एफ ऑफ बी इज इक्वल टू एफ ऑफ फंक्शन 2 हो जाएगा ये माइनस एफ ऑफ ए की वैल्यू जो है गिवन है एफ ऑफ ए एफ, ओके एंड इधर क्या आ जाएगा बी वैल्यू जो है बी की वैल्यू जो है वो 2 है एंड ए की वैल्यू जो है यहां से हमको मिली 0 एंड एफ डैश ऑफ सी। ओके अब ये एफ डैश ऑफ सी जो है वो एफ डैश ऑफ एक्स हो जाएगा एंड यहां से जो है वो एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 0 की वैल्यू जो है यहाँ पे गिवन है हम लोग वो लिख लेंगे +3 हो जाएगा वो एंड 2 हो जाएगा। अब एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे देख सकते हो 5 है और ये 2 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 10। एफ ऑफ 2 की वैल्यू जो है यहाँ से क्या आ जाएगी एफ ऑफ 2 की वैल्यू जो है आपकी आ जाएगी 7। 7 आंसर इज करेक्ट, ओके ऑप्शन सी इज करेक्ट। आई होप सो समझ गए इस एग्जांपल, इजी था बस थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था। अभी आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज इंक्रीजिंग फंक्शन एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ये भी बहुत ही इजी है और सिंपल है। इंक्रीजिंग फंक्शन यानी डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या है, देखो इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब है dy by dx जो है आपका पॉजिटिव आएगा, ग्रेटर देन 0 आया तो इंक्रीजिंग फंक्शन एंड dy by dx अगर लेस देन 0 आया तो डिक्रीजिंग फंक्शन। उसी तरह अगर मोनोटोनिकली अगर आया इंक्रीजिंग फंक्शन तो यहाँ पे देखो इक्वल होता है, ओके लेस देन ग्रेटर देन 0 और इक्वल्स टू 0, लेस देन 0 और इक्वल्स टू 0, लेकिन जब भी अगर ऐसा एक टर्म आता है मोनोटोनिकली तो फिर आपको क्या करना है dy by dx जो है अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो ग्रेटर देन 0 लेना है एंड dy by dx जो है आपका लेस देन 0 है, ये इक्वल्स टू साइन जो है वो हट जाती है, ठीक है। ये थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले इसके ऊपर मैक्सिमा मिनिमा कैसे फाइंड करना है। यहाँ पे देखो स्टेप्स मैं आपको लिख के बता देता हूँ मैक्सिमा मिनिमा कैसे आपको फाइंड करना है, ऑल दो इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है। पहले क्या करना है आपको एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड कर लेना है, जैसे ही आपने एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड किया सेकेंड पॉइंट है आपको क्रिटिकल वैल्यू आपको फाइंड करना है, क्रिटिकल वैल्यूज आपको फाइंड करना है एफ डैश ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू 0 पुट करके आपको वैल्यूज मिल जाएगी। वैल्यू फाइंड करने के बाद आपको डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है, देन डबल डेरिवेटिव जैसे ही फाइंड करोगे जो क्रिटिकल वैल्यू आई है इसके अंदर आप पुट करोगे तो एफ डबल डेरिवेटिव एक्स अगर लेस देन 0 आया तो वो होगा मैक्सिमा और एफ डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 आया तो वो हो जाएगा मिनिमा, ठीक है। इसके ऊपर एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से आपको समझेगा, तो ये स्टेप्स है, ओके। सो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स इंटू वाई व्हेन एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 8। अभी यहाँ पे द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स इंटू वाई पूछा है, मतलब फंक्शन क्या दिया गया है x इंटू वाई दिया है और मैक्सिमम वैल्यू बोला है x प्लस वाई
व्हेन x plus 5 is equals to 8, x plus 5 दिया है, x plus 2y is equals to 8, तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट करके आपको आंसर निकालना है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, ये y वाले टर्म की वैल्यू जो है अब हम लोग यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, 8 माइनस एक्स वाई इज इक्वल्स टू 8 माइनस एक्स अपॉन 2 हो गया, ओके ये हो गई y की वैल्यू, एफ ऑफ एक्स आपको पता है, एफ ऑफ एक्स अगर आपको पता है और y की वैल्यू आपको पता है तो यहाँ आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो, 8x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 एफ ऑफ एक्स, अभी यहाँ से आप डिफरेंशिएट करोगे तो 1 बाई 2 जो है कॉमन हो जाएगा, 8 यहाँ पे आ जाएगा, माइनस 2x आ जाएगा, ओके एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू मिली हमको यहाँ पे। अभी यहाँ पे बोला है कि आपको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है, अब मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए मैंने एक स्टेप क्या बताया, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करना होता है हमको, जब हम लोग 0 पुट करोगे इसको एफ डैश ऑफ एक्स 0 हो जाएगा तो ये आपका 0 हो जाएगा और 8 माइनस 2x इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 0 और 2x अगर उधर चला गया एंड 8 इधर रहा तो यहाँ पे आएगा आपकी वैल्यू 4, तो हमारी x की वैल्यू जो है 4 आ गई। तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x इंटू y, तो x इंटू y की, अब x की वैल्यू पता है y की वैल्यू नहीं पता है हमको, तो y की वैल्यू हमको यहाँ से मिल जाएगी 8 माइनस एक्स अपॉन 2, 8 माइनस 4 अपॉन 2 जो कि हो जाएगा 4 बाई 2 जो कि हो जाएगा 2, अब x इंटू y क्या हो जाएगा फंक्शन, x इंटू y क्या हो जाएगा 4 इंटू 2 दैट इज 8, आंसर इज d, ओके आई होप सो दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरी वन, आंसर हमारा जो है d है, ओके तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, देखो अ स्क्वायर प्लेट इज कॉन्ट्रैक्टिंग एट अ यूनिफॉर्म रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर स्क्वायर पर सेकेंड दिया है, तो इसका मतलब है डी ए अपॉन डी टी की वैल्यू दी है, एरिया की वैल्यू क्या दी है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, देन फाइंड द रेट एट विच द पेरीमीटर इज डिक्रीजिंग व्हेन साइड ऑफ द स्क्वायर इज एक्स, मतलब 20 सेंटीमीटर, एक्स की वैल्यू जो है 20 सेंटीमीटर दी है, ओके एंड फाइंड क्या करने बोला है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर, पेरीमीटर का साइज जो है वो डिक्रीज हो रहा है, पेरीमीटर इज डिक्रीजिंग, तो डी पी अपॉन डी टी हमको फाइंड करना है, ओके तो पेरीमीटर का फॉर्मूला आप सभी स्टूडेंट्स को पता है 4x होता है, ठीक है 4 इंटू साइड जो एरिया का स्क्वायर क्या होता है साइड स्क्वायर हो जाता है, ठीक है अब यहाँ से x की वैल्यू हमको क्या मिलती है, x की वैल्यू जो है अंडर रूट a होती है, अब यहाँ पे p में हम लोग 4 अंडर रूट a, अब इसको जो है हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वैल्यू हमको क्या मिलती है डी पी अपॉन डी टी, यही हमको फाइंड करना है, अब 4 एज अ कॉमन आ जाएगा और रूट एक्स का क्या आ जाता है 2 अपॉन अंडर रूट ए इंटू, अभी रूट ए है ना तो ए विद रेस्पेक्ट टू हम लोग टी डिफ्रेंशिएट कर रहे तो डी ए बाई डी टी हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो 4 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू रूट ए हो जाएगा ये, देन उसके बाद इसकी वैल्यू हमको गिवन है 2 वन जा 2 हो जाएगा ये 2 टू जा एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 अपॉन रूट ए, ओके अभी इसके बाद हम लोग ए की वैल्यू, रूट ए की वैल्यू जो है वो एक्स है, एक्स की वैल्यू रूट ए की वैल्यू देखो एक्स है और एक्स की वैल्यू जो है गिवन में क्या दी है 20 दी है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 8 अपॉन 20, 4 टू जा 8, 4 5 जा 10, तो आंसर क्या मिला हम लोग को 2/5, आंसर देखो 2/5 का ही है, यस है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ओके ऑप्शन डी इज करेक्ट, समझा ये सम आप सभी स्टूडेंट्स को, बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ, सो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार रिपीट हुआ है, तो यहाँ पे देखो अ लेडर ऑफ लेंथ 17 मीटर रेस्ट विथ वन एंड अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल, अगर मैं इधर डायग्राम ड्रॉ करूँ, अगर सपोज ये वर्टिकल वॉल है एंड ये ग्राउंड है और यहाँ पे एक लेडर है, ओके जिसका लेंथ जो है वो 17 मीटर दिया है, ओके देन यहाँ पे क्या बोला एंड द अदर एंड ऑन द लेवल ऑफ द ग्राउंड, ठीक है एक वर्टिकल वॉल पे है और लेवल ऑफ द ग्राउंड पे है, देन इफ द लोअर एंड जो है ये स्लिप हो रही है, नीचे की सीढ़ी जो है वो स्लिप हो रही है ग्राउंड के लेवल पे जो कि 1 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे वैल्यू दी गई है, ठीक है देन व्हेन इट्स 8 मीटर अवे, ये ग्राउंड से जो है ये वॉल से जो है 8 मीटर अवे है एंड फ्रॉम द वॉल इट्स अपर एंड इज कमिंग डाउन एट द रेट ऑफ, तो अपर एंड कितने रेट से नीचे आ रहा है वो आपको फाइंड करना है, ठीक है अभी हम लोग इसको एक्स कंसिडर करते हैं, इसको वाई कंसिडर करते हैं और ये हाइपोटेनियस है, ओके ए बी और सी, अब यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम लोग यहाँ पे आंसर को फाइंड आउट करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम आई होप सो आप सभी स्टूडेंट्स को याद होगा, दो साइड का स्क्वायर लेते हैं और हाइपोटेनियस लेते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर,
अभी यहां से हम लोग पहले y की वैल्यू को फाइंड करने का ट्राई करेंगे। अब y की वैल्यू हमको कैसे मिलेगी, 17 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अभी यहाँ पे देखो, अब सभी स्टूडेंट्स को कुछ तो यहाँ पे वैल्यू गिवन है, दैट इज x इज इक्वल्स टू 8 की वैल्यू गिवन है। ओके, 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आएगा, 289 माइनस 64। अब वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, 125 वैल्यू आ जाएगी आपकी। ओके, ये स्क्वायर हो जाएगा। अब ये 125 स्क्वायर क्या हो जाता है आपका, 15 सा 125। आई होप सो इतना आपको क्लियर है why हम लोग ने 15 फाइंड आउट किया है। अभी देखो हम लोग को नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, अभी ये जो इक्वेशन है इसी को हम लोग को डिफरेंशिएट करना है, बट विद रेस्पेक्ट टू x। ओके, अभी यहाँ पे क्या आएगा, 2y dy/dt, 17 स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो वो जीरो हो जाएगा, माइनस और 2x dx/dt। ठीक है, अब यहाँ पे देखो x x कैंसिल हो जाएगा। ओके, y की वैल्यू हम लोग ने फाइंड की है 15 हो जाएगा ये dy/dx, x की वैल्यू जो है हमको पता है 8 है, और dx/dt की वैल्यू हमको कहाँ से मिलेगी, dx/dt की वैल्यू देखो यहाँ से जो है स्लिप हो रहा है 1 मीटर पर सेकेंड से, तो यहाँ से जो है हमको 1 मिला। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, dy/dx को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, dy/dx इज इक्वल्स टू -8/15। अब -8/15 माइनस आने के बाद डायरेक्टली यहाँ पे ऑप्शन में जाके टिक मत कर देना। अब माइनस साइन मतलब क्या इंडिकेट करता है, कि लेंथ डिक्रीज हो रही है। अभी हम लोग को फाइंड क्या करना है, कि हम लोग को ये फाइंड करना है कि वो ऊपर से कितने स्पीड में जो है वो स्लाइडर जो है स्लिप हो रहा है। तो आंसर जो है ये माइनस साइन जो है ये सिर्फ इंडिकेट क्या करता है, कि वो लेंथ डिक्रीज कर रही है। बट हमारे इस केस में माइनस साइन से कुछ लेना देना नहीं है। जब अभी ऐसे क्वेश्चंस ना बहुत बार आएंगे, तब dy/dx की वैल्यू अगर आपको माइनस में मिल रही है ना, तो हमेशा पॉजिटिव वाला आंसर ही टिक करना। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का पॉजिटिव आंसर, आप 8/15 कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, 8/15 बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, सी इज रॉन्ग आंसर। ओके, -8/15 आपको करेक्ट नहीं करना है, वो आपका ऑप्शन जो है रॉन्ग होने वाला है। ठीक है, तो माइनस वाला ऑप्शन आपको क्लिक नहीं करना है। ठीक है, माइनस वाला रॉन्ग ऑप्शन है, एंड हमारा जो ऑप्शन है 8/15 है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। LMVT का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आप खुद सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व बाय योर सेल्फ। क्या करना है, आप सभी स्टूडेंट्स को आइडिया दे देता हूं मैं। द वैल्यू ऑफ सी हमको फाइंड करना है। जब भी वैल्यू ऑफ सी बोला ना, तो आप समझ जाना कि ये जो फंक्शन है वो पहले से ही LMVT फॉलो करता है, उसकी सारी कंडीशन सेटिस्फाई करता है। डायरेक्टली आपको क्या यूज करना है, f' इज इक्वल्स टू f(b) - f(a)/b - a। डायरेक्टली आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, सी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, यहाँ पे देखो f(x) क्या गिवन है, f(x) गिवन है log x, और इसको डेरिवेट करोगे f(x) करोगे f' तो हो जाएगा 1/x हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे ये f', इसको c अगर लेते हैं हम लोग तो ये 1/c हो जाएगा, तो यहाँ से 1/c हो गया ये। और f(b) और f(a) हम लोग को कहाँ से मिलेगा, f(b) जो है c है, वो f(c) हो जाएगा, और f(a) जो है वो 1 है, दैट इज f(1/c - e - 1। ओके, ये e गिवन है, e - 1, तो यहाँ से हम लोग को क्या वैल्यू मिलेगी, f(e) की वैल्यू एंड f(1) की वैल्यू हमको फाइंड करनी पड़ेगी। f(e) और f(1) क्या होता है, वैल्यू कहाँ से फाइंड आउट करोगे आप, यहाँ से आपको फाइंड करना है f(e). f(e) की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, log e, जो कि हो जाता है log e 1। ओके, एंड f(1) की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। log 1 क्या होता है, 0, तो यहाँ पे 1 - 0 और c e - 1 - c, तो c इधर गया आपका, तो e - 1 ऑप्शन रहेगा आई गेस। ठीक है, ऑप्शन सी रहेगा। ठीक है, मैंने ही सॉल्व करके दे दिया, चलो कोई बात नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये भी क्वेश्चन काफी इजी है और काफी सिंपल है। क्वेश्चन क्या दिया गया है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ s ऑफ अ मूविंग पार्टिकल एट x टाइम t गिवन है, s इज इक्वल्स टू 5 + जो गिवन है वो लिख लेते हैं। चलो s इज इक्वल्स टू क्या दिया है, 5 + 48/t + t³। ठीक है, देन इट्स एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होगा हमको फाइंड करना है, व्हेन वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 0, वेलोसिटी गिवन जो है 0 है। तो ds/dt हम लोग जब फाइंड करेंगे, ds/dt क्या होता है, वेलोसिटी है ना, आपको पता होगा displacement/time इज इक्वल्स टू वेलोसिटी। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वैल्यू हमको क्या मिलेगी, 48। अब ये t को जो है कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, t को हम लोग -1 कंसिडर कर सकते हैं ना, -1 का क्या आ जाएगा, -1
और t का जो है माइनस टू हो जाएगा, जो कि हम लोग इसको डिनोमिनेटर में ही लिख देंगे, माइनस वन हम लोग ने वहां पे लिख दिया, तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा प्लस थ्री टी का स्क्वायर। ओके अभी ये जो है वेलोसिटी है डी एस अपॉन डी टी, और यहाँ से हमको वैल्यू जो मिली 48 अपॉन टी स्क्वायर, और यहाँ से जो वैल्यू हमको मिली है, अभी यहाँ से क्या करना है जीरो पुट कर देना है और टी की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। ओके फिर उसके बाद वेलोसिटी हम लोग इजीली फाइंड कर लेंगे। अब टी की वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो यहाँ पे इसको 48 को यहाँ पे भेज दो और यहाँ पे थ्री टी स्क्वायर है। ओके अब ये टी स्क्वायर उधर चला जाएगा और थ्री इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा 16 और ये टी रेस टू फोर हो जाएगा। अब यहाँ पे टी रेस टू फोर, यहाँ पे अगर इसको करोगे टू रेस टू पावर फोर और टी, तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी टी की, आपकी वैल्यू आ जाएगी टू। ओके ऐसे आपको फाइंड करना है वैल्यू, हमको टी की वैल्यू हमको मिल गई। अभी हम लोग को क्या करना है डीवी अपॉन डी टी फाइंड करना है, डीवी अपॉन डी टी। ओके डीवी अपॉन डी टी, अभी इसकी वैल्यू हम लोग को वेलोसिटी की वैल्यू जो मिली है इसी को डिफरेंशिएट करना है। तो कैसे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, इसी को हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस 48, अब टी रेस टू टू है ना डिनोमिनेटर में है, तो हम लोग उसको न्यूमेरेटर में माइनस टू कर सकते हैं, तो ये माइनस टू हो जाएगा और वो ऊपर जाके टी क्यूब हो जाएगा। ठीक है आई होप सो ये डिफरेंशिएशन समझा होगा कैसे किया मैंने शॉर्टकट में, थ्री टू जो सिक्स हो जाएगा ये और टी हो गया। अभी टी की वैल्यू हमको पता है और ये हो जाएगा एक्सेलरेशन, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा कैंसल, और टू एट जो सिक्सटीन टू फोर जो एट 96 वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 96। ओके यहाँ पे 96 हो जाएगा प्लस 6 इंटू, यहाँ पे टी की वैल्यू जो है 2 है तो 6 टू जा ओके, और यहाँ पे 2 का क्यूब मतलब कि 8। तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हो आंसर फाइंड आउट कर लो जल्दी फटाक से, 8 वन जा 8, 8 वन जा 8, 8 टू जा 16, 12 प्लस 12 आंसर जो है वो 24 आना चाहिए। ओके आंसर जो है हमारा डी, डी ऑप्शन इज करेक्ट, आंसर जो है हमारा डी ऑप्शन इज करेक्ट। सो एग्जाम्पल सारे स्टूडेंट्स को समझा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अभी सॉल्व करते हैं। सो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये भी क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है। इफ द सरफेस एरिया ऑफ द स्फेरिकल बलून, अभी स्टार्टिंग में मैंने आपको एरिया ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है वो बताया, अभी यहाँ पे यूज होने वाला है। देखो क्या बोला है, सरफेस एरिया ऑफ द स्फेरिकल बलून ऑफ द रेडियस 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अभी देखो यहाँ पे जो गिवन है ना उसको पहले अंडरस्टैंड करने का ट्राई करो, यहाँ पे क्या दिया है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड दिया है ना, तो यहाँ पे आप क्या आइडिया लगा सकते हो, ये जो है एरिया गिवन है, डी ए अपॉन डी टी गिवन है। अभी हम लोग को फाइंड क्या बोला है, फाइंड करने इंक्रीज इन दी वॉल्यूम इन दी सेंटीमीटर स्क्वायर, डी वी अपॉन डी टी हम लोग को फाइंड करने को बोला है। तो हम लोग डी वी अपॉन डी टी कैसे फाइंड करेंगे, तो लेट स्टार्ट, काफी ईजी क्वेश्चन है। एरिया ऑफ द स्फीयर एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला पता है तो ये काफी आसान क्वेश्चन है। एस इज इक्वल टू 4πr² स्फीयर का एरिया होता है। ओके अभी हम लोग विथ रेस्पेक्ट टू क्या करेंगे, विथ रेस्पेक्ट टू हम लोग करेंगे टी डिफरेंशिएट, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे रेट ऑफ इंक्रीज इन द वॉल्यूम पर एट रेस्पेक्ट टू टाइम पूछा है, तो 4π एज इट इज रहेगा और 2r dr अपॉन dt। अब यहां से जो है हम लोग क्या करेंगे, अब dr अपॉन dt की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और ds अपॉन dt की वैल्यू जो है 2 गिवन है, तो अपन क्या करेंगे यहां से 4πr यहां पे 4πr आएगा। ओके 4π और ये 2 एज इट इज लिख देते हैं और dr अपॉन dt, तो ये 2 कैंसिल हो जाता है और यहाँ पे वैल्यू जो है dr अपॉन dt की क्या बचती है, अगर देखो ये 4πr को यहाँ पे शिफ्ट कर लोगे तो dr अपॉन dt बचेगा, तो इज इक्वल्स टू 1 4πr। अब ये वैल्यू हमको मिली यहाँ पे, ठीक है dr अपॉन dt की वैल्यू हमको मिल गई। अभी वॉल्यूम का हम लोग को फॉर्मूला यूज करना है, वॉल्यूम फाइंड करेंगे हम लोग। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 4/3πr³। ओके डी वी अपॉन डी टी हम लोग को यही तो फाइंड करना है, डी वी अपॉन डी टी, तो 4/3π एज इट इज रहेगा क्योंकि वो कॉन्स्टेंट है और 3r² इसका डेरिवेटिव हो जाएगा और डी आर अपॉन डी टी। अभी देखो इसकी वैल्यू हमको पता है यहाँ पे गिवन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4/3 देन यहाँ पे क्या आ जाएगा पाए इंटू 3r² इंटू और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/4πr। अब यहाँ पे सारे टर्म्स कट होते हैं, वो सारे टर्म्स को कट करो, 4π कट हो जाएगा, 3 ये r और r कट हो जाएगा, 3 कट हो जाएगा, बचा क्या यहाँ पे देखो सिर्फ r बचा,
तो यहाँ पे आर की वैल्यू जो है वो 6 सेंटीमीटर गिवन है क्वेश्चन में। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया था ये। ओके, जस्ट आपको जो है ये दो फॉर्मूलेज आने चाहिए बस, फिर उसके बाद इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम लोग देखते हैं, वॉल्यूम ऑफ सी सेटिस्फाइंग द कंडीशन कंक्लूजन ऑफ रोल्स थ्योरम। अब जब भी रोल्स थ्योरम आता है तब आप सभी स्टूडेंट्स को मैंने क्या बोला था, वो तीन कंडीशन के बारे में सोचना। बट अभी वो कंडीशन भी सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे सेटिस्फाइंग द कंडीशन पहले ही ऑलरेडी बोल दिया है। अब जब ऐसा आता है तो डायरेक्टली आपको क्या करना है, एफ डैश ऑफ सी क्या पुट कर सकते हो, आप जीरो पुट कर सकते हो। एफ डैश ऑफ सी जीरो कर दिया तो सी की वैल्यू हमको मिल जाएगी। तो सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे अभी हम लोग को फाइंड करना है, तो सी की वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं। तो एफ डैश ऑफ एक्स गिवन है, एफ डैश ऑफ एक्स क्या गिवन है, एफ डैश ऑफ एक्स एक्स इंटू रूट एक्स प्लस 6 गिवन है। तो ठीक है, एफ डैश ऑफ एक्स हम लोग फाइंड कर लेते। ओके, पहले यू इंटू वी का फॉर्मूला लगा देंगे इसमें, 2 अंडर रूट एक्स प्लस 6 हो जाएगा ये। ओके, फिर ये प्लस एज इट इज रहेगा एक्स प्लस 6 और एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, इसको एक्स अपॉन 2 एक्स प्लस 6 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 6। ओके, और ये एफ डैश ऑफ एक्स है। अभी हम लोग क्या करेंगे, एफ डैश ऑफ सी पुट करेंगे इसमें, एक्स की जगह पे जा एक्स से वहां पे सी पुट कर दो, 2 अंडर रूट सी प्लस 6 प्लस अंडर रूट सी प्लस 6। और अभी तुमको पता है रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई होता है, इसलिए एफ डैश ऑफ सी की वैल्यू जो है जीरो हो जाती है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, 2 यहाँ पे जाएगा और ये जब ये दोनों रूट मल्टीप्लाई होंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो सी प्लस 6 बचेगा। और डिनोमिनेटर में जो है 2 अंडर रूट सी प्लस 6 जो है वो यहाँ जाएगा तो जीरो हो जाएगा। तो आंसर जो है सी प्लस 2c प्लस 16 बचेगा। तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, 3c, और यहाँ पे इसको हम लोग ने इधर भेज दिया तो ये क्या आ जाएगा, -16। यहाँ पे हम लोग इधर भेज दिए तो -12। ओके, ये 12 आएगा, 2 6 12 होता है, तो सी इज इक्वल टू -4। तो आंसर जो है सी इज इक्वल टू -4, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, आई होप सो ये भी एग्जांपल आपको अच्छी तरीके से समझ गया है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ आप सभी स्टूडेंट्स को सारे एग्जांपल प्रॉपर तरीके से समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन है, अभी हम लोग ने ऐसा ही एक टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। तो ये जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल, आपको पूरा एक डायग्राम बना के समझा दूंगा कैसे सॉल्व करना है, देन उसके बाद आप सभी स्टूडेंट्स को फाइंड करना है इसकी वैल्यू। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं इस एग्जांपल को। एग्जांपल क्या कर, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है, अ रॉड ए बी 13 फीट लॉन्ग मूव्स विद इट्स एंड ए एंड बी ऑन 2 परपेंडिकुलर लाइंस। सपोज ये 2 परपेंडिकुलर लाइन है। ओके, और यहाँ पे एक जो है रॉड गिवन है। अब रॉड जो है वो 13 मीटर की दी है, एंड व्हेन ए इज फीड फ्रॉम ओ, ये ओ एक्स है और ये ओ वाई है। ओके, और ये ओ ए है, तो यहाँ पे क्या दिया है, एक्स इज इक्वल्स टू 5 फीट दिया गया है यहाँ पे। तो x इज इक्वल टू 5 हो गया ओरिजिन, एंड इट इज मूविंग अवे एट द रेट ऑफ यहाँ पे गिवन दिया गया है 3 फीट पर सेकेंड, मतलब dx अपॉन dt गिवन है। dx अपॉन dt क्या गिवन है, 3। ओके, आपको क्या फाइंड करना है, y की वैल्यू फाइंड करना है और dy अपॉन dt फाइंड करना है। ठीक है, इजी है, क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करो। पाइथागोरस थ्योरम में जो आपकी y की इक्वेशन होगी, y की इक्वेशन को आपको डिफरेंशिएट करके dy by dt फाइंड करना है। ओके, इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे वैल्यू गिवन है, x की वैल्यू गिवन है, y की वैल्यू फाइंड करोगे आप पाइथागोरस थ्योरम से, फिर y का जो इक्वेशन पाइथागोरस थ्योरम में आएगा उसी को आपको डिफरेंशिएट करना है। तो काफी इजी है, सॉल्व कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व करते हैं। 14th क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन के ऊपर आया, ये भी काफी इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो हम लोग को साइन की वैल्यू गिवन है, साइन 60 डिग्री, देन 0 मिनट 0 सेकेंड, 10 सेकेंड गिवन है। तो अभी आप अप्रोक्सीमेशन का आप सभी स्टूडेंट्स को फॉर्मूला पता है, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन एक्स हो जाएगा। अब जब भी हम लोग एक्स यूज करते हैं अप्रोक्सीमेशन में, तो आप सभी स्टूडेंट्स को मैंने बताया एक्स जो है वो 2 पार्ट में स्प्लिट होता है, ए प्लस एच में। तो अभी हम लोग ए की वैल्यू और एच की वैल्यू ऐसी क्या लेंगे वो अभी हम लोग डिस्कस करते। तो ए जो है हम लोग 60 ले लेंगे, 60 डिग्री, और एच जो है हम लोग इसको ले लेंगे, एच जो है दैट इज 10 सेकेंड। ओके, ए और एच हम लोग ने ले लिया। अभी पहले एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड कर लेते हैं। एफ डैश ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, साइन का कॉस एक्स हो जाएगा। ओके, देन अभी यहाँ पे देखो, अभी फॉर्मूला यूज कर लो, एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल्स टू
एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ ए। अभी हमारे पास एफ ऑफ ए और एफ डैश ऑफ ए की वैल्यू नहीं है, तो एफ ऑफ ए की वैल्यू कहां से मिलेगी हमको? एफ ऑफ ए की वैल्यू हमको मिलेगी एफ ऑफ एक्स से। ए के जगह पे हमको क्या पुट करना है? 60। तो साइन 60 क्या हो जाएगा? रूट 3/2। और एफ डैश ऑफ ए की वैल्यू हमको क्या मिलेगी? कॉस 60। कॉस 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी? हाफ। तो यहां से हमको क्या मिला? 0.5। और यहां से हमको क्या मिला? रूट 3 की वैल्यू जो है 1.732 डिवाइड बाय 2। तो यहां से जब डिवाइड करोगे तो 0.866 आंसर आपको यहां पे मिलेगा। तो एफ ऑफ ए की वैल्यू जो है 0.866, फिर प्लस एच जो है हमारा, एच 10 दिया हुआ है। यहाँ पे देखो हम लोग एच को कैसे सॉल्व करेंगे। एच जो है 10 सेकेंड दिया गया है, इसको हम लोग पहले 60 × 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि सेकेंड में, अगर मिनट में होता तो हम लोग क्या करते? 60 से मल्टीप्लाई करते, लेकिन सेकेंड में है तो 60 × 60 से करेंगे। देन इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो 1 डिग्री जो दी गई है इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 0.0175। अगर मैं एक ट्रिक बता दूं, अगर आप ऑप्शन देखोगे ना थोड़ा सा, यहाँ पे जितने भी सारे ऑप्शन है 0.0 समथिंग से स्टार्ट हो रहे, लेकिन हमारा आंसर जो है वो 0.8 प्लस समथिंग आने वाला है। मतलब देखो ऑप्शन सी 0.866, उसके आगे जो भी वैल्यू आएगी, अगर सपोज ये कन्वर्जन आपको नहीं समझ में भी आ रहा है ना, तभी भी आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ठीक है, ऑप्शन की तरफ जाओ, बाद में कैलकुलेशन करो ना करो, आगे का कुछ आए ना आए, बट ये 0.866 के बाद ही हम लोग की कुछ वैल्यू आने वाली है। तो ये कन्वर्जन नहीं समझ में आ रहा है, तभी भी आप करेक्ट आंसर निकाल सकते हो, ठीक है, बाद में इसको आप जो है डिवाइड वगैरह कर लेना तो आपको वैल्यू मिल जाएगी, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा जो है, एंगल बिटवीन फाइंड करने को बोला है, टीटा हम लोग को फाइंड करना है। अगर आपने स्ट्रेट लाइन पढ़ा होगा तो टीटा का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, टेन टीटा का फॉर्मूला पढ़ा होगा, m1 - m2 = m1 - m2/1 m1 × m2। अब वही फॉर्मूला यूज करके हमको यहाँ पे सॉल्व करना है। अभी यहाँ पे देखो क्या दो इक्वेशन दी गई है, दो इक्वेशन क्या दी गई है कि पहला जो इक्वेशन है y = 2x2, अभी इसको डिफरेंशिएट करो dy/dx तो हमको क्या मिलेगा? 4x। ओके, अभी यहाँ पे जो है x की वैल्यू गिवन है, तो dy/dx जो है हमारा आ जाएगा 4। अभी 4 कैसे आया? x की जगह पे 1 रख दो, 4 आ जाएगा। अभी नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट इक्वेशन क्या दी गया है? x = 2y2 दिया है, ठीक है, 2y यहाँ मैं लिख देता हूँ और यहाँ पे x लिख देता हूँ, ठीक है। अभी ये क्या हो जाएगा? 4y dy/dx हो जाएगा ये, और ये x जो है वो 1 हो जाएगा विद रेस्पेक्ट टू, तो dy/dx की वैल्यू हमको क्या मिली यहाँ से? 1/4y। अब y की वैल्यू जो है 1 है, तो dy/dx जो है हमको मिला dy/dx 1/4। ओके, अब ये जो है ये m1 है और ये जो है वो m2 है। इसके बाद क्या करना है? tan थीटा का फॉर्मूला यूज करना है। एंगल बोला है फाइंड करने, तो tan थीटा का फॉर्मूला यूज होगा, m1 - m2/1 + m1 × m2। तो अब वैल्यू फाइंड करो, m1 क्या आ जाएगा? 4 - 1/4 / 1 + 4 × 1/4। तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 1 + 1, डिनोमिनेटर में जो है 2 बच जाएगा, और यहाँ से जो है 15 अपॉन क्या हो जाएगा आपका? हो जाएगा यहाँ पे 15/4, तो यहाँ पे आ जाएगा 15/8। तो आपको tan थीटा मिला 15/8, तो थीटा क्या मिलेगा? tan इनवर्स 15/8। तो ऐसे आपको आंसर फाइंड करना है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, 15/8। सो आई होप सो ये एग्जांपल आपको सारे समझ रहे, सारे चीज आपको प्रॉपरली तरीके से समझ रही है। देखो जितना आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आपकी लॉजिक बिल्डिंग जो है अच्छी हो जाएगी, और वैसे फास्ट क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, जब तक आप जो है मॉक टेस्ट वगैरह नहीं अटेम्प्ट करोगे ना, तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपका चैप्टर प्रिपेयर हुआ या नहीं हुआ है। तो मॉक टेस्ट के लिए बूस्टर बैच अवेलेबल है, बूस्टर बैच ज्वाइन कर लो, वहां से टेस्ट सीरीज है, वहां सारे टेस्ट आपको मिलेंगे, वहां से प्रैक्टिस करो और अपने प्रिपेरेशन को बूस्ट करो और मार्क्स अच्छे लाने का ट्राई करो। इसीलिए मैंने कहा है आप सभी स्टूडेंट्स को, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना, उतनी अच्छी आपकी लॉजिक बिल्डिंग हो जाएगी, उतने फटाफट आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे। इसीलिए मॉक टेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको पता चल जाएगा कि आपका चैप्टर कितने अच्छे से प्रिपेयर हुआ है, नहीं हुआ है, सारी चीजें आपको पता चलेगी। बूस्टर बैच में सारी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, सारे टेस्ट आपको मिल जाएंगे। जैसे ही आपका चैप्टर खत्म हो रहा है, टेस्ट दो,
अपने आप को एनालिसिस करो कि आपका चैप्टर कितना हुआ है नहीं हुआ है, फिर उसके अकॉर्डिंग फिर से थोड़ा आपको वर्क करना पड़ेगा उस चैप्टर पे, ठीक है। टेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है लास्ट मोमेंट में, टेस्ट से ही हमारा स्कोर आने वाला है सीटी एग्जाम में, ये चीज हमेशा याद रखना, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे, तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखो ये अप्रोक्सीमेशन वाला ही क्वेश्चन है, ये भी अभी क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, एक्स इज इक्वल टू टू, आदि एक्सट्रीम पॉइंट्स दिया गया है, नॉट अप्रोक्सीमेशन सॉरी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस टू बीटा। तो यहाँ पे कैसे सॉल्व करना है आपको एक आइडिया दे देता हूँ, देन ये इजी क्वेश्चन है। एक्सट्रीम वैल्यू बोला है, एक्सट्रीम वैल्यू जब भी आता है आपके दिमाग में आ जाना है चाहिए कि एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपको जीरो पुट करना है। अभी एफ डैश ऑफ एक्स जब एक्सट्रीम वैल्यू एक्सट्रीम पॉइंट्स बोला है, एफ डैश ऑफ जीरो है, तो एफ डैश ऑफ माइनस वन क्या हो जाएगा, आपका वैल्यू हो जाएगी एफ डैश ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, एफ डैश ऑफ टू जो है वो जीरो हो जाएगा। ये पॉइंट आपको समझना चाहिए। अब ये माइनस वन का वैल्यू मैंने एफ डैश ऑफ माइनस वन जीरो क्यों लिया, जब भी एक्सट्रीम पोजीशन होती है, आपको मैंने बताया था स्टार्टिंग में एक्सट्रीम पोजीशन कहाँ पे होता है, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो पे होता है। तो अब एफ डैश ऑफ एक्स जब जीरो है, माइनस वन पे जीरो है, माइनस वन पे जीरो है और टू पे जीरो है, एक्स के जो कोऑर्डिनेट है माइनस वन पे जीरो है और टू पे जीरो है, तो आपको एफ ऑफ एक्स यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अभी यहाँ पे आप फाइंड कैसे कर सकते हो, चलो फाइंड करते हैं, इक्वेशन लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू अल्फा लॉग एक्स प्लस बीटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो अभी हम लोग विद रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, तो अल्फा अपॉन एक्स हो जाएगा यहाँ पे, बीटा अपॉन बीटा टू एक्स हो जाएगा और ये वन हो जाएगा, तो ये एफ डैश ऑफ एक्स हमको मिल गया, ओके। नाउ अभी हम लोग को क्या करना है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा और बीटा की हम लोग को वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैंने आपको क्या बोला कि अभी ये माइनस वन, एफ डैश ऑफ माइनस वन, अब यहाँ पे जहां पे भी एक्स है वहां पे माइनस वन आप पुट कर दो, माइनस वन पुट कर दो, बीटा माइनस वन पुट कर दो, ठीक है। वैल्यू क्या आएगी, यहां से माइनस अल्फा हो जाएगा ये, और ये माइनस टू बीटा हो जाएगा, और ये प्लस वन, और ये इसकी वैल्यू क्या है, जीरो है, तो ये अल्फा यहाँ पे गया प्लस टू बीटा भी यहाँ पे गया, तो इज इक्वल्स टू वन, तो ये इक्वेशन वन बन गई। उसी तरह एफ डैश ऑफ टू की वैल्यू हमको मिलनी चाहिए, क्या मिलेगी, अल्फा अपॉन टू प्लस टू इंटू बीटा इंटू टू प्लस वन, तो क्या आएगा, अल्फा अपॉन टू प्लस फोर बीटा प्लस वन। तो यहाँ पे क्या वैल्यू है, जीरो, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो या फिर एलसीएम ले लो, तो इसको ए टू से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको टू से मल्टीप्लाई कर दो, इसको सबसे टू से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये एट बीटा हो जाएगा और ये प्लस टू हो जाएगा, और नीचे का डिनोमिनेटर टू जो है वो जीरो हो जाएगा, ओके। आई होप सो ये समझा ये पॉइंट आपको। अभी आगे कैसे सॉल्व करना है इसको देखो, अभी ये क्या आगे कैसे सॉल्व होगा, ये अभी यहाँ पे इसको कैसे अल्फा इंटू बीटा के टर्म्स में लिखना है हमको, तो अल्फा प्लस एट बीटा इज इक्वल्स टू माइनस टू। अभी अल्फा और बीटा का हम लोग को दो साइमल्टेनियस इक्वेशन मिल गए, तो अब दो साइमल्टेनियस इक्वेशन मिल गए हम लोग को, अल्फा प्लस टू बीटा इज इक्वल्स टू वन, अल्फा प्लस एट बीटा इज इक्वल्स टू माइनस टू। साइमल्टेनियसली सॉल्व करो इसको, साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे, माइनस करो इसको, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये माइनस सिक्स बीटा हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा, तो वन प्लस टू क्या हो जाएगा, आपका थ्री हो जाएगा। तो बीटा की वैल्यू हमको क्या मिली यहाँ पे, बीटा की वैल्यू मिली हमको माइनस वन बाय टू, माइनस वन बाय टू बीटा की वैल्यू मिली। अभी अल्फा की वैल्यू हमको फाइंड करना है, तो अल्फा कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिल जाएगा अल्फा, तो वन माइनस टू बीटा अल्फा होता है, तो वन माइनस टू बीटा की वैल्यू माइनस वन बाय टू, तो यहाँ से टू टू कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो अल्फा की वैल्यू जो है हमारी टू आ गई, ओके। अल्फा टू आ गया और वन बाय टू आ गया, तो अल्फा स्क्वायर पूछा है, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे मैं सॉल्व कर लेता हूँ, अल्फा स्क्वायर पूछा है, तो अल्फा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस टू बीटा, तो अल्फा स्क्वायर जो है वो फोर हो जाएगा, टू माइनस वन बाय टू, तो ये क्या हो जाएगा, टू टू कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और आंसर जो है फाइव आ जाएगा, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ओके। आई होप सो ये एग्जांपल आपको समझा होगा, 16 क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी आपको खुद से सॉल्व करना, लैडर वाला क्वेश्चन है। देखो लैडर वाला क्वेश्चन कितने बार रिपीट हुआ है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके सॉल्व करना है, ठीक है। तो अभी हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इफ द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6x एंड 9x स्क्वायर प्लस b y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16, तो दोनों कर्व जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है राइट एंगल ट्राइंगल पे, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ b। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल जब भी आता है आपको पता होना चाहिए m1 into m2 क्या होता है -1, और दोनों कर्व जो है राइट एंगल ट्राइंगल पे है, परपेंडिकुलर है, तो आपको वो आइडिया आ जाना चाहिए, ठीक है। अभी कर्व है y square is equals to क्या है 6x दिया है, तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे 2y dy by dx, तो हमको आंसर आ जाएगा 6, और 2 1s और 2 3s, तो dy by dx क्या आ जाएगा 3 by y, ये 2 3s, ओके ये हम लोग को मिला। देन जो सेकेंड इक्वेशन जो है 9x square प्लस क्या गिवन है by square प्लस 16, by square is equals to 16, तो अभी हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 18x बन जाएगा ये प्लस b 2y dy by dx is equals to 0। अभी dy by dx is equals to 0, यहाँ पे हम लोग सारे टर्म्स को इधर लेके जाएंगे तो माइनस 18x हो जाएगा ये, ओके, और यहाँ पे जो है ये b इधर आ जाएगा 2yb, तो ये क्या हो जाएगा 9x हो जाएगा, ओके। अभी यहाँ पे देखो क्या करना है हमको, यहाँ पे dy by dx की वैल्यू हमको क्या मिल रही है, dy by dx की वैल्यू हमको मिल रही है माइनस 9x अपॉन yb, ओके, माइनस 9x अपॉन yb हमको वैल्यू मिल रही है, तो अभी हम लोग को फाइंड करना है वैल्यू ऑफ b, b की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, ओके, इसको अभी हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो मैंने आपको जैसे बताया स्लोप जो है राइट एंगल ट्राइंगल का, दोनों स्लोप जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब क्या है m1 into m2 is equals to -1, और m1 is nothing but dy by dx only, m2 is nothing but dy by dx, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3y मल्टीप्लीकेशन में आएगा 9x अपॉन yb, ओके, इज इक्वल्स टू -1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 3 हो जाएगा 27x, y का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से b हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा 1, तो अब y की वैल्यू हमको, b की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, ओके, यहाँ तक आप सभी स्टूडेंट्स को समझा। अभी ये हम लोग माइनस 1 को इधर लेके आ जाएंगे, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और b को उधर भेज देंगे तो b इधर आ जाता है, तो एज इट इज ये रहेगा 27x अपॉन y स्क्वायर। अभी y स्क्वायर की वैल्यू देखो यहाँ पे गिवन है 6x, ओके, 27x अपॉन 6x, xx कैंसल, 3 2s आ 6, 3 9s आ 27, 9 by 2 आंसर है, ओके। आई होप सो दिस पॉइंट इज क्लियर एवरीवन, दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। आई होप सो सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ रहे हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व। अब नॉर्मल टू द कर्व मैंने आपको बताया स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या होता है, टेंजेंट का अगर m है तो नॉर्मल का स्लोप क्या है -1/m होगा, तो अभी वही चीज हमको यहाँ पे लॉजिक यूज करनी है। अब कैसे सॉल्व करना है इसको, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे गिवन क्या है x इज इक्वल्स टू अंडर रूट टी गिवन है, तो विथ रेस्पेक्ट टू हम लोग इसको टी डिफ्रेंशिएट करेंगे, डीएक्स अपॉन डीटी हमको क्या मिलेगा विथ रेस्पेक्ट टू टी करेंगे तो 1/2 अंडर रूट टी। अब y यहाँ पे गिवन क्या दिया है y t माइनस 1/√t, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू t, तो क्या मिलेगा हमको 1, यहाँ पे देखो ये √2 को, ये रूट टी को हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको न्यूमिनेटर में लेके जाके 1/2 लिख सकते हैं, 1/2 को इसको ऐसे करके हम लोग क्या कर सकते हैं -1/2 और ये रूट -3/2 हो जाएगा, ओके। यहाँ पे अभी क्या कर सकते हैं हम लोग 1 माइनस 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 प्लस हो जाएगा और ये 1/2 अंडर रूट क्यूब रूट आएगा इसका क्यूब रूट ऑफ 3, ओके, ये हम लोग को मिला। अभी यहाँ पे dy by dx हम लोग को फाइंड करना है, स्लोप क्या होता है dy by dx, तो वैल्यू जो है यहाँ पे गिवन है 1/1 + 1/2 और ये t 3/2, ओके, फिर डिनोमिनेटर में वैल्यू क्या आएगी 1/1/2
टू अंडर रूट टी। तो अब टी की वैल्यू जो है यहाँ पे हम लोग को पता है, टी की वैल्यू जो है यहाँ पे गिवन है 4 है। तो अभी यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप कैसे होगा, डीवाई बाई डी एक्स कैसे होगा, डीवाई बाई डी एक्स हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, डीवाई बाई डी एक्स जो है वन प्लस यहाँ पे ध्यान से देखो, कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से देखो, टू इंटू अभी टी की वैल्यू जो है 4 3/2। इसको कैसे सॉल्व करते अभी मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा कैसे सॉल्व करते हैं उसको। देन उसके बाद यहाँ पे जो है 1/2 √4, तो ये क्या हो जाएगा 1/4, डिनोमिनेटर में 1/4 आ जाएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करना है हम लोग को, यहाँ पे देखो 1 + 1/2, अब ये वैल्यू क्या है देखो रूट क्यूब रूट है, ओके 4 का क्यूब क्या होगा, इसका मतलब क्या होता है देखो, ये अंडर रूट ऑफ 4 का क्यूब देखो क्या होता है, यहाँ पे आपको सिंपल वे में समझाता हूँ मैं। पहले आप क्या करो 4 का क्यूब निकालो, 4 का क्यूब क्या होगा, 4 का क्यूब जो है इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 का क्यूब आ जाएगा आपका 64 और 64 का अंडर रूट 1/2 मतलब अंडर रूट, तो ये 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8, ओके और ये 8 × 2 × 8 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 16। तो यहाँ पे 16 लिख देते हम लोग डायरेक्टली, 16 लिख देते और यहाँ पे जो है 1 और यहाँ पे 4, तो ये क्या हो जाएगा 16 + 1/16 / 1/4, 4 × 1 = 4, 4 × 4 = 16, 17 / 4, ओके अब 17/4 आ गया। तो चलो बताओ आंसर कौन कौन सा है, 17/4 ऑप्शन बी इज करेक्ट, बट नहीं ऑप्शन बी करेक्ट नहीं है, क्या बोला है स्लोप ऑफ द नॉर्मल फाइंड करने बोला है। स्लोप ऑफ द नॉर्मल का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, स्लोप ऑफ द नॉर्मल का फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल 1/dy/dx मतलब कि वही m माइनस वो भी, तो फिर हम लोग का ये आंसर क्या आ जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ दिस विद माइनस साइन, -4/7 - 4/17 - 4/17 ऑप्शन सी इज करेक्ट, ओके ये थोड़ी थोड़ी चीजें जो है ध्यान देना ठीक है, नहीं तो जो आता है वो सम भी आप रॉन्ग करके आ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वैल्यूज ऑफ सी एज पर द रोल्स थ्योरम। देखो ये इजी क्वेश्चन है, ये मैं नहीं सॉल्व करने वाला हूँ, एफ ऑफ एक्स गिवन है यहाँ पे, देन एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू 0 पुट करके आप यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो ठीक है, एक्स की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो, नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता देना मेरे को ठीक है। देन ये वाला क्वेश्चन भी जो है इजी क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन अभी हम लोग देखते, इफ स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व दिया है मतलब कि dy by dx is equals to m है dy by dx ठीक है, यहाँ पे जो dy by dx की वैल्यू जो है वो 2 दिया गया है, एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3a + b, ऐसा सम अभी हम लोग ने सॉल्व किया है, दो साइमल्टेनियस इक्वेशन बना के a प्लस बी की वैल्यू फाइंड करके, तो इसको आपको खुद से सॉल्व करना है ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, हम लोग को फाइंड मैक्सिमम वैल्यू बोला है, तो ये क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है ऐसा मैक्सिमम वैल्यू वाला, तो फंक्शन क्या गिवन है, फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू x³ - 6x² + 9x + 2 ठीक है, डिफरेंशिएट कर दो इसको, डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको क्या वैल्यू मिलेगी, 3x² - 12x + 9 ओके। अब मैक्सिमम वैल्यू आपको, द फंक्शन हैज मैक्सिमम वैल्यू, अभी कौन से पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू, एक्स के ऐसे कौन से पॉइंट पे जो है ये फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू हमें देता है, ये हमको फाइंड करना है ठीक है। अभी ये मैक्सिमम वैल्यू के लिए मैंने आपको स्टेप्स बताए थे, जैसे ही आपने एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड किया उसके बाद आप क्या करोगे, आप इसमें क्या करोगे, आप एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू जो है 0 पुट करोगे ठीक है। इसको हम लोग और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 3 से डिवाइड कर दो, ओके 3 × 3 = 9, अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, 3 × 1 = 3 हो जाएगा, 3 को क्या कर सकते हो, 3 × 1 = 3 ओके। यहाँ पे अभी हम लोग लिखेंगे x − 3 x − 1 = 0, तो x = 3 x = 1, अभी x = 3 और x = 1, तो यहाँ पे हमारी x की वैल्यू जो है वो 3 है और वो 1 है ओके। अभी हम लोग क्या करना है, हम लोग को डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है, डबल डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, डबल डेरिवेटिव ये जो फंक्शन मिला है हम लोग को एफ डैश ऑफ एक्स, इसी को हम लोग को डेरिवेटिव करना पड़ेगा, इसी का डिफरेंशिएट लेना पड़ेगा,
देन ये 6x हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। अभी 3 और 1 की वैल्यू हमको पुट करके देखना है कहाँ पे हमको। अभी f मैंने आपको एक पॉइंट लिखाया था, f डबल डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन 0 है तो वो मिनिमम वैल्यू है, ओके। देन ग्रेटर देन 0 है तो वो जो है मैक्सिमम वैल्यू है, हमको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है, ओके। तो मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे 1 एक बार वैल्यू पुट करके देखो, जब 1 हम लोग पुट करके देखेंगे तो 16 माइनस 12 विच इज इक्वल टू माइनस 6, तो ये क्या है ग्रेटर देन लेस देन 0 है, तो लेस देन 0 पे जो हमको क्या मिलती है मैक्सिमम वैल्यू मिलती है, तो 1 इज ऑप्शन इज करेक्ट, x इज इक्वल टू 1 पे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ओके ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट 1, ओके। आई होप सो दिस एग्जांपल इज क्लियर टू एवरीवन। तो यहाँ पे लगभग हमारे सारे टाइप के क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं, और दो क्वेश्चन है जो कि आपके लिए होमवर्क होने वाले हैं, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लो सारे स्टूडेंट्स, और लास्ट क्वेश्चन भी आपको खुद से सॉल्व करना है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको खुद से सॉल्व करना है, ओके। ये वाला क्वेश्चन वाई इज इक्वल टू 4x माइनस वाई इज अ टेंजेंट टू द कर्व, ये बहुत अच्छे से मैंने समझाया, टेंजेंट नॉर्मल और नॉर्मल का स्लोप क्या होता है, टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, अच्छे से समझा है, अब खुद से सॉल्व करो, ट्राई करो, इसका आंसर क्या आता है, पी माइनस क्यू की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, पी माइनस क्यू की वैल्यू, ओके। ध्यान देना क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ओके। सारे टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे कवर हो जाते हैं, आई होप सो सारे क्वेश्चंस आपको समझ गए होंगे, और अभी तक हम लोग ने जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे अभी तक हम लोग ने सॉल्व किए, इसका नोट जो है मैं आपको यहाँ पे आपके बूस्टर बैच पे अवेलेबल करके दे दूंगा, बूस्टर बैच में आप सभी स्टूडेंट्स को इसके सारे नोट्स मिल जाएंगे जो भी अभी तक हम लोग ने क्वेश्चन सॉल्व किए। यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स एनरोल करना चाहता है, आज लास्ट डेट है, 399 रुपीज में आप एनरोल कर सकते हो, बाकी कल से जो है 499 रुपीज प्राइस हो जाएगा, सारे फीचर्स देख सकते हो। बस मैं आप सभी स्टूडेंट्स को एक ही चीज यहाँ पे कहूंगा कि जो भी स्टूडेंट सिंसियरली वन शॉट वीडियो को सीरीज को फॉलो कर रहे हैं ना, बस आप सभी स्टूडेंट जितने वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड करते जाता हूँ, जो जो टास्क आपको देते जाता हूँ उसको सिंसियरली फॉलो करो, देन देखो आप मैथ्स में कितना अच्छा स्कोर कर सकते हो। 2023 के मोस्टली सारे पीवाईक्यूज हम लोग कवर कर रहे हैं, और टाइम कम पड़ रहा है इसलिए थोड़े बहुत हम लोग के जो पीवाईक्यूज छूट रहे और मैं उसको आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूँ, तो वो आप एज अ होमवर्क प्रैक्टिस करो, फिर उसके बाद मॉक टेस्ट को भी प्रैक्टिस करो, मैक्सिमम सारे टाइप के क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस हो जाते हैं, फिर सीईटी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आने दो आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। राइजिंग एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करो, अगर बूस्टर बैच में एनरोल करना चाहते हो, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखना, वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, एंड कमेंट में बताना आज का वन शॉट कैसा लगा आपको। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।